दाईं तरफ मौजूद गंगा और बाईं तरफ मौजूद जमुना पेल्विस से आपस में जुड़ी हुई है। लोग हमें दो सर वाला एक इंसान मानते हैं, वो हमें दो अलग अलग लोगों के तौर पर नहीं देखते। वो सर्कस में हर रात करीब 2,500 रुपए कमाती हैं और लोग उन्हें स्पाइडर सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। कंजॉइंड ट्विन्स गंगा और जमुना सर्कस में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हैं और इन्हें कहा जाता है स्पाइडर सिस्टर्स। हाल ही में उनकी सेहत में गिरावट देखने में आई है और उन्हें पेट में दर्द के साथ बुखार भी रहता है। अब कंजॉइंड ट्विन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टाइन शायद उनकी मदद कर सकें। मेरी सलाह ये है कि अब हमें कोलकाता के अस्पताल चलना चाहिए, जहां पर हमने आपके सीटी स्कैन और एक्सरे की तैयारी कर रखी है, जिनसे हम आपके बुखार और दर्द की वजह जान पाएंगे। इनके भीतरी अंगों की सही जानकारी पाने के लिए डॉक्टर स्टाइन को इन बहनों के शरीर में कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करना होगा, लेकिन इन्हें इस सुई से डर लगता है, इसलिए डॉक्टर स्टाइन इन्हें ओरल डाई पीने को कहते हैं, जो कम असरदार है। अब गंगा और जमुना का पहला सिटी स्कैन होने जा रहा है। आप इन तस्वीरों को सेव करते जाइए, शुरू कीजिए। इन बहनों को अलग करना मुमकिन हो सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर स्टाइन को ये देखना होगा कि दोनों बहनों के खून का बहाव लिवर से जुड़ा ना हो। डॉक्टर स्टाइन अब सिटी स्कैन के नतीजे इन्हें बता सकते हैं। बेशक इन बहनों की उम्र 40-45 के आसपास है, लेकिन पहली बार ये देखेंगी कि इनके अंदरूनी अंग किस तरह आपस में जुड़े हैं। अच्छी खबर ये है कि दोनों बहनों के अपने अपने दिल, पेट और किडनी हैं, लेकिन डॉक्टर स्टाइन को चिंता इनके ब्लैडर्स को लेकर है। स्कैन से पता चला कि पेट से नीचे गंगा और जमुना के पेशाब और मल त्याग के रास्ते मिले जुले हैं। मल और मूत्र त्याग का एक ही रास्ता होने के कारण इन्हें ब्लैडर और यूरिन इन्फेक्शन होते रहते हैं, लेकिन दवाइयों के जरिए आसानी से इस समस्या का इलाज हो सकता है। डॉक्टर स्टाइन इन बहनों को याद दिलाते हैं कि इन्हें अलग करने वाली सर्जरी अब भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए और टेस्ट करने होंगे। ये दोनों बहनें फिर से अपने गांव लौट आई हैं, लेकिन डॉक्टर स्टाइन से बातचीत करने के बाद इन्होंने खुद को अलग करने वाली सर्जरी कराने के बारे में फैसला ले लिया है। गंगा और जमुना को खुद को अलग करने वाली सर्जरी के बारे में मना करके कोई अफसोस नहीं है। वो अपनी बाकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़े रहकर खुश हैं और अपने बॉयफ्रेंड जसीमुद्दीन के मिलने से भी।